देश भर में सोयाबीन की आवक में गिरावट देखने को मिली है। दीपावली के साथ देश में शादियों के मुहूर्त शुरू हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से उपज की आवक प्रभावित हो रही है। उधर शुक्रवार को देश भर की मंडियों में सोयाबीन की आवक घटकर 7,10,000 बोरी के करीब रह गई। इनमें से मध्य प्रदेश में आवक मात्र 2,75,000 बोरी की रही। इधर तेलों में अच्छी मांग के चलते प्लांटों की सोयाबीन खरीद अच्छी बनी हुई है। इसे सोयाबीन के दाम मजबूत बोले जा रहे हैं। उधर इंदौर की छावनी अनाज मंडी में सोयाबीन 5,200 से 5,400 रुपए और एवरेज 4,200 से 4,700 रुपए प्रति क्विंटल बिका। दूसरी ओर तेल बाजार में मजबूती का दौर बरकरार रहा। सोया तेल में आई रिकवरी ने भी सीबोट सोयाबीन को सपोर्ट दिया। सीबोट सोया तेल और कच्चे तेल में तेजी के सहारे केएलसी 39 प्लस और प्रोजेक्शन 93 प्लस बोला गया। उधर सोया तेल में उपभोक्ता मांग बराबर बनी रहने से इंदौर मार्केट में सोया तेल के दाम 1380 से 1385 और पाम तेल इंदौर 1080 रुपए प्रति 10 किलो पर बने हुए हैं। दरअसल अमेरिकी सोयाबीन निर्यात 21 से 27 अक्टूबर के दौरान 19% घटकर 8,30,200 मीट्रिक टन रह गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।